इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इट इज़ आर इंट्रोडक्टरी टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी technology is basically a comprehensive process in which application of science and knowledge in many areas of life with thoroughly and orderly arranged sequences. isme aap dekhenge basically technology ko for the purpose of in different individuals and community kis tarah se apply kiya jata hai in our daily lives. agar technology ke advent ko dekhen, before the advent of technology life was very simple. there was no basic tools for different purposes of life. for example, different machines now we are generated, the communication issues was very higher, but after the advent of technology these issues has resolved. agar technology ke means ko dekhe to technology ke kuch side effects bhi hai aur kuch iske good effects bhi hai. ये यूज़ करने वाले के ऊपर आता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ लेके जाता है टेक्नोलॉजी को या फिर इसके गुड इफ़ेक्ट्स की तरफ लेके जाता है. अगर हम इसके गुड इफ़ेक्ट्स को देखें तो टेक्नोलॉजी के बहुत से अच्छे इफ़ेक्ट्स में एक इफ़ेक्ट इसका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. प्लांट्स को अर्थन पॉट्स के अंदर ग्रो करके उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है, उनके ग्रोथ बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है, और जो उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जाते हैं उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, उनके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है और उसके गुड इफ़ेक्ट्स को भी देखा जाता है ऑन द प्लांट. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द समर प्लांट्स एंड व्हाट आर द विंटर प्लांट्स. समर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनको बेसिकली समर सीजन में ग्रो किया जाता है, और इसकी एक रीज़न ये होती है कि उनको हायर अमाउंट में वाटर और सनलाइट चाहिए. अगर सनलाइट कम है या फिर वाटर की क्वांटिटी कम है तो ये प्लांट्स ग्रो नहीं करते. अगर आप इन प्लांट्स को देखें तो इन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट प्लांट्स आते हैं जिसमें कोकम्बर है, पीपर है, और इसके अलावा अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें एग प्लांट और टमाटो इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे विंटर प्लांट्स. विंटर प्लांट्स बेसिकली आर दोज प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर अमाउंट, दैट रिक्वायर कूलर टेम्परेचर. वो प्लांट्स जिनको कम टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कराया जाता है और जिनके लिए वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर उनको नहीं चाहिए होता. इन प्लांट्स के अंदर आते हैं बेसिकली कैरेट्स, बीटरूट्स, उसके अलावा पी प्लांट्स आते हैं. तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्ड इन द टेक्नोलॉजी. बिफोर द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइफ वॉज वेरी सिंपल, but after the advent of technology life has modern aspects of different areas. agar humne plants ko grow karana hai to different summer and jo winter plants hai unko grow kara ke unka plant ka growing behavior dekha ja sakta hai, unke upar jo fertilizers ka effect aata hai wo dekha ja sakta hai. next video ke andar hum complete fertilization ke process ko study karenge. allah hafiz.